नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने YouTube चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना मैटर लोक अदालत में कैसे लगवाएं इसके बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने यह महसूस किया है कुछ कमेंट को देखने के बाद कि बहुत सारे लोगों ने को बस इतना नोट कर रखा कि ऐसा है कि लोक अदालत की डेट कब है और उसी डेट में वो कोर्ट में चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद पता यह चलता है कि उनका तो मैटर लिया ही नहीं जा रहा है, तो अनावश्यक रूप से काफ़ी परेशान होते हैं। तो इस तरह की परेशानी किसी के ना हो, तो इस वीडियो में मैं इसकी जानकारी देने जा रहा हूँ कि आखिर लोक अदालत का जो मामला होता है वो किस तरीके से कोर्ट में लगवाया जाता है। इसकी जानकारी होने के बाद जो अनावश्यक परेशानी है उससे बचा जा सकता है। देखिए, लोक अदालत के ऊपर जब भी लोक अदालत की नोटिफिकेशन आती है तो मैं उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूं, और जो लोक अदालत जो लगाई जानी है 2023 में, इससे संबंधित मैंने एक वीडियो लोक अदालत का जो शेड्यूल है 2023 का, उससे संबंधित वीडियो मैंने अपलोड कर रखी हुई है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है, आप चाहे तो जाकर उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो का जो टॉपिक है उसके ऊपर। जब भी लोक अदालत लगाई जानी होती है तो जो संबंधित अथॉरिटी है उसके द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, और नोटिफिकेशन जारी करने का जो उद्देश्य होता है यह होता है कि आम पब्लिक को इसकी जानकारी हो जाए कि किस डेट को लोक अदालत लगाई जा रही है, और नोटिफिकेशन भी पहले ही जारी कर दिया जाता है। कारण यह है कि जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो कोर्ट में जाकर अपने मामले को लोक अदालत में लगवा लें। तो क्या प्रोसीजर होता है लोक अदालत में लगवाने का, तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि लोक अदालत में कौन कौन से मैटर लिए जाते हैं। तो लोक अदालत में जो मैटर सबसे ज़्यादा मात्रा में लिए जाते हैं वो ट्रैफिक के जो चलान होते हैं और लोक अदालत में लिए जाते हैं। जो सिविल मामले होते हैं, सभी सिविल मामले जिसमें समझौते के आसार होते हैं लोक अदालत में लगवाए जाते हैं। जो चेक बाउंस के जो मामले होते हैं जिसको हम 138 NI एक्ट कहते हैं, और लोक अदालत में लगवाए जाते हैं। जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के जो मामले होते हैं जिसे हम MACT का मैटर कहते हैं, वो लोक अदालत में लगवाए जाते हैं। और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो होता है तलाक के मामलों को छोड़ के लोक अदालत में लगवाया जाता है। और क्रिमिनल ऑफेंस के बारे में बात करें तो जो सेक्शन 320 CRPC के तहत जो कंपाउंडेबल ऑफेंस आते हैं वो भी लोक अदालत में लगाए जाते हैं। अब लोक अदालत में किसी मैटर को किस तरीके से लगाया जा सकता है, तो जब भी नोटिफिकेशन जारी होगी, जैसे कि आज की डेट में नोटिफिकेशन सभी को जानकारी है कि 13 मई 2023 को लोक अदालत लगाई जानी है, तो जिनका भी मैटर है कोई जो कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट में अगर कोई मैटर चल रहा है तो उसकी एक निर्धारित डेट चल रही है उस पर, तो आप कोर्ट में जाके और एक एप्लीकेशन लगाते हुए कि आप अपने मामले का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से करवाना चाहते हैं, एक एप्लीकेशन लगा के जिसमें आपको केस की डिटेल की जानकारी देते हुए और उस केस की जो अगली डेट है उसकी भी जानकारी देते हुए जो संबंधित कोर्ट है उस कोर्ट में लगा देनी है, जिससे उस कोर्ट के जुडिशियल अफसर आपकी एप्लीकेशन को लेके अलाउ कर देते हैं उस एप्लीकेशन को, तो आपका जो मामला होता है वह लोक अदालत के लिए चला जाता है। उसका फायदा यह होता है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोर्ट में तो आपकी एप्लीकेशन पर जो दूसरे पक्षकार होते हैं उन पक्षकार को भी कोर्ट नोटिस कर देती है कि ये मामला जो है लोक अदालत में लगाया जा रहा है। अगर दूसरे पक्षकार भी इंटरेस्टेड हैं मामले को ख़त्म कराने के लिए तो वो कोर्ट में उस डेट में आ जाते हैं, जिसमें सभी पक्षकारों के बीच में आपस में बातचीत हो जाती है, और बातचीत होने के बाद अगर सभी लोग सहमत होती हैं तो उसकी उस केस का डिस्पोजल लोक अदालत में कर दिया जाता है।
ट्रैफिक के मामले में हमें क्या करना है, ट्रैफिक के मामले में भी सेम प्रक्रिया है, दिल्ली को छोड़ फिर दिल्ली के बाहर की जो प्रोसेस है उसमें भी अगर मैटर को लोक अदालत में लगवाया जाना है तो आप कोर्ट में जाके एप्लीकेशन लगाइए कि आप अपने जो ट्रैफिक चालान का भुगतान जो है वो लोक अदालत में करना चाहते हैं। जो भी संबंधित कोर्ट है आपके एप्लीकेशन को अगर अलाउ करके और उस डेट में लगा देती है तो आपका जो मैटर जो है उस डेट में चला जाएगा, आप उस डेट में जाके अपने चालान का भुगतान कर सकते हैं। कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि कोर्ट अपने आप ही जो उसके पास जो मैटर पड़े होते हैं, ज़्यादातर चालान के केस में ऐसा देखने को मिलता है, तो उसमें अपने आप ही आपको सम्मन भेज देती है कि आपका मैटर कोर्ट ने खुद ही लगा दिया लोक अदालत में, आपने कोर्ट में अप्रोच नहीं किया। तो जब कोर्ट ऐसा करती है तो उसके संबंध में जो नोटिस होती है या सम्मन होता है आपको उस डेट से पहले ही, एक हफ्ते पहले या दो चार दिन पहले रिसीव हो जाता है। अगर इस तरीके का कोई भी नोटिस आपको रिसीव होता है तो आप सीधे उस कोर्ट में जाके अपने चालान का डिस्पोजल करवा सकते हैं। दिल्ली के केस में, दिल्ली में सिर्फ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के चालान के लिए टोकन डाउनलोड किए जाते हैं जिसका नोटिफिकेशन जो लोक अदालत की डेट होती है उसके 10 दिन पहले आता है। उस नोटिफिकेशन में एक डेट दिया गया होता है जिसके बारे में बताया गया होता है, इस डेट को एक लिंक दिया जाएगा और उस लिंक की सहायता से आप ऑनलाइन इतने चालान डाउनलोड किए जाएंगे। तो उसमें से जिन लोगों के भी चालान डाउनलोड हो जाते हैं उनको उस चालान की कॉपी लेके वो सीधे लोक अदालत में जाना होता है और उस कॉपी के आधार पे ही उनके चालान का भुगतान कर दिया जाता है। इसके दिल्ली के केस में कोर्ट में जाके, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के केस में कोर्ट में जाके अप्लीकेशन लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर दिल्ली स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का चालान है तो उसके केस में टोकन डाउनलोड नहीं होगा। अगर आप अपने स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के चालान को का भुगतान कोर्ट के माध्यम से लोक अदालत में लगवाना चाहते हैं तो पहले आपको संबंधित कोर्ट में जाके एप्लीकेशन लगाना होगा। अगर उस कोर्ट के जो जुडिशियल अफसर आपके एप्लीकेशन को अलाउ कर देते हैं लोक अदालत के लिए तभी आपका चालान लोक अदालत में जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि आपको इस चैनल पे कोई ना कोई ऐसा कंटेंट जरूर मिलेगा जो आपके काम का होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।